Hello dear students, so in the previous video we were doing exercise number 1.3. Okay, we have started the exercise number 1.3. Question number first we were doing, what was the question number first? Separate the first rational numbers from the second. Okay, A wala jo tha wo maine karwa diya tha. Now starting from the question number B. Okay, yahan par kya karna hai? Subtraction karna hai. Previous wale jo exercise the, exercise number 1.2. उसमें हमने क्या किए थे? एडिशंस किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? सबट्रैक्शन करना है. ठीक है, सो क्या सबट्रैक्ट करना है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड करना है आपको. सबट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर. सो व्हाट इज द फर्स्ट रैशनल नंबर इन बिटवीन दिस टू नंबर्स? दिस वन द फर्स्ट रैशनल नंबर है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है -3/7. सो सबट्रैक्ट दिस फर्स्ट रैशनल नंबर्स फ्रॉम द सेकंड. तो इस रैशनल नंबर को आपको सेकंड रैशनल नंबर से क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. ठीक है, सो माइनस जब भी हम करते हैं तो हम सेकंड नंबर में से आपको करना है, तो सेकंड नंबर को आप पहले लिखेंगे. कैसे? जैसे हमने ए वाले क्वेश्चन में किया था, याद होगा आपको. सो सेकंड नंबर में से फर्स्ट रेशियल नंबर को सबट्रैक्ट करना है. सो राइट डाउन t/7. ओके, क्या करना है? सबट्रैक्शन करना है. सो एट द साइन ऑफ माइनस. नाउ किसको सबट्रैक्ट करना है? फर्स्ट रेशियल नंबर को. सो व्हाट इज द फर्स्ट रेशियल नंबर हियर? -3/7. सो राइट इन दिस ब्रैकेट, बिकॉज टू साइंस आर सिमिलर, मतलब दोनों साइंस सिमिलर हो गए हैं और दोनों कैसे क्लोज भी है. क्लोज नहीं करना है आपको. सो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट. सो जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो माइनस एंड माइनस दे बोथ आर मल्टीप्लाई. दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से. जैसे हमने प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस हो रहा था, अब यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है. ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगा लाइक इंटीजर, जैसे लाइक है, ये दोनों लाइक साइन है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर होगा? वहां पे प्लस. माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर होगा? प्लस होगा. माइनस माइनस प्लस एंड राइट डाउन t/7. ठीक है, अब देखिए जो साइन था ये भी माइनस था, ये भी माइनस, सबट्रैक्शन करना था, लेकिन जो सबट्रैक्शन का साइन है वो एडिशन में प्लस में चेंज हो चुका है. सो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस साइन आ गया है यहाँ पर. सो हम t/7 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस करेंगे. अब वो कैसे करेंगे? जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में एडिशंस किए थे रैशनल नंबर्स की, सेम आपको वैसे ही करना है. सो यहाँ पर क्या है? 7 है, दोनों जगह क्या है? 7 है, डिनोमिनेटर्स सेम है. सो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे. अब क्या करना है? डिनोमिनेटर्स को आपको प्लस करना है. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 3. तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे प्लस, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे. यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? 3. अब क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है. सो 3 + 3 कितना आंसर आएगा? 6. और डिनोमिनेटर में क्या था? 7. सो पूरा जो क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन है वो है 6/7. इट मीन्स 3/7 में से -3/7 सबट्रैक्ट करने पर क्या आंसर मिलेगा आपको? 6/7. क्वेश्चन नंबर सी. ओके, क्वेश्चन नंबर सी, ऐसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी, ए और बी हम लोग कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर सी क्या है? 9/11 and 11/11. सेपरेट करना है. क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे हम कि फर्स्ट रेशियल नंबर्स को आपको सेकंड रेशियल नंबर से सेपरेट करना है. ठीक है, तो सेकंड रेशियल नंबर आपको पहले लिखना पड़ेगा, जिसमें से सेपरेट करते हैं हम उसको हम पहले लिखते हैं. ठीक है, जैसे 10 - 7, हम 7 - 10 नहीं लिखेंगे, हम 10 - 7 लिखेंगे अगर आपको 10 में से 7 को सेपरेट करना है. ठीक है, अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सो हमको सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है. सो राइट डाउन 11/11 सबट्रैक्ट करना है. सो एट द माइनस साइन हियर. किसको सबट्रैक्ट करना है? फर्स्ट रेशियल नंबर को. सो व्हाट इज द फर्स्ट रेशियल नंबर हियर? 9/11. सो राइट डाउन हियर 9/11. 11/11 में से माइनस करना है 9/11. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करना है डायरेक्टली, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, केवल से दोनों को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है. यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है साइन का, माइनस माइनस प्लस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था. यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? सेम है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है. सो राइट डाउन 11 इन द डिनोमिनेटर. क्या माइनस करेंगे? हम न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे. सो यहाँ पर न्यूमरेटर में है 11, बीच में किसका साइन है? माइनस का. फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 9. इस तरीके से आपको लिखना है 11 में से 9 को माइनस करना. सो 11 - 9 क्या बचेगा? 2. और अपॉन में क्या कंटिन्यू हो रहा था? 11. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2/11. ये क्या है? इसका आंसर है
इट मीन्स 11/11 में से जब आप 9/11 को माइनस करेंगे सो क्या बचेगा 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 7 and -14/11। तो यहाँ पर भी सेम करना है आपको, सेकंड रेशियो नंबर में से फर्स्ट रेशियो नंबर जो है 7 उसको माइनस करना है। सो यहाँ पर देखिए 7 एक सिंगल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर रेशियो नंबर उसको बनाना है। सो आप रेशियो नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 7/1 लिखेंगे। ठीक है, 7 के बारे में हम मतलब अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, इसमें 7 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 7 ही मिलना है। सो 7 को हमको रेशियल नंबर बनाना है, सो हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या ऐड किया है, 1 ऐड किया है। नाउ जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, सेपरेट करना है सेकंड रेशियल नंबर को फर्स्ट रेशियल नंबर से। तो सेकंड रेशियल नंबर क्या है यहाँ पर, -14/11। ठीक है, ये लिखा आपने, सेपरेट करना है। तो माइनस का साइन लगाया, किसको सेपरेट करना है, फर्स्ट रेशियल नंबर को। तो फर्स्ट रेशियल नंबर क्या है, 7/1। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के से हैं डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 11 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर से है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, सो 11 ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इट मीन्स ये केवल 11 जो है 11 की टेबल में ही आता है, अपने खुद के टेबल में ही आता है और किसी दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आता। ठीक है, सो 11 कैसा है, प्राइम नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब जो दूसरों के टेबल में भी आता है, जैसे 4, 6, 9। ठीक है, सो 1 को ना तो प्राइम में काउंट किया गया है ना ही कंपोजिट में काउंट किया गया है। ठीक है, सो अगर हम 11 और 1 का एलसीएम लेंगे, सो 11 ही होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है आपको, 11 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 11 होगा। अब सॉल्व कैसे करना है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 7th क्लास में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, बहुत इजी है, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखेंगे। अभी हम आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ जो मैंने 7th क्लास में दोनों आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, तो पहली मेथड हम क्रॉस मल्टीप्लाई बता रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 11 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 11 हुआ, उसको तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर जब एलसीएम जिस भी नंबर्स का लिया है, अगर उसमें से एक नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो, सो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला रेशियो नंबर क्या है आपका, ये है। सो -14 किस में है, माइनस में है, सो -14 मल्टीप्लाइड बाय 1, सेम नंबर विल बी देयर, इट मींस -14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, सो -14 मिलेगा आपको। यहाँ पर साइन किसका है, बीच में माइनस का है, सो हमने यहाँ पर -8 किया है। अब क्या करना है, सेकंड रेशियो नंबर की टर्न आती है, सो 7 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, यहाँ पर 11 में करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे, तो 7 का टेबल 7 टाइम्स हम रीड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 77। आगे क्या चल रहा था, माइनस हो रहा था। ये कौन से मेथड हुई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। आप एक किस कंडीशन पे कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर्स में दोनों में से एक भी नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर 11 जो है प्राइम नंबर था, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, -14 -77, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 7 प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, हाँ ठीक है, देखिए प्लस क्यों करेंगे हम, क्योंकि दोनों केस में नेगेटिव इंटीजर है ना, दोनों केस में नेगेटिव है, दोनों केस लाइक इंटीजर से, तो लाइक इंटीजर क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। 77 में हम 14 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 77 में हम 14 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 91। 7 में 4 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 11, कैरी 1 हो जाएगा, 7, 8, 9, कितना आ जाएगा, 91। अब आपको क्या करना है, साइन पुट करें, क्योंकि दोनों जो नंबर्स है वो नेगेटिव है, और बड़ा नंबर 77 है, ग्रेटर नंबर 77 है, वो किस में है, माइनस में है, सो प्लस करने पर जो 91 होगा वो भी माइनस में होगा। ठीक है, डिवाइड में क्या चल रहा था, यहाँ पर 11 चल रहा था। ये पूरा सॉल्व करने पर आंसर हो चुका है, क्या हो चुका है, -91 / 11।
यहाँ तक तो समझ में आ गया है, ये आपका आंसर है। ये मैंने कौन सी फर्स्ट मेथड बताई थी आपको, कौन सी मेथड थी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब डिनोमिनेटर्स में दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, सेकंड मेथड मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आप लोगों ने सेवन्थ क्लास में सीखी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम तो वही आना है। ठीक है, एलसीएम तो सेम होगा आपका, क्या होगा 11। अब एलसीएम लेने के बाद में हम क्या करते हैं, जैसे 11 आया है तो 11 को हम 11 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो डिनोमिनेटर रहता है उसको एलसीएम से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सो 11 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, अब इसके बाद में जब आंसर जो आता है डिवाइड करने पर जैसे 1 आंसर आया है, सो इस 1 का हम क्या करते हैं, न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। सो न्यूमिरेटर यहाँ पर क्या है, -40। 1 का मल्टीप्लाई -14 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, -14 मिलेगा। ठीक है, माइनस साइन है बीच में तो माइनस साइन ऐड करेंगे। यहाँ पर भी करना है 11 को 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 11 टाइम ही आएगा। 11 को हम 1 से डिवाइड करना है, मतलब जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो एलसीएम हमारा 11 है, डिनोमिनेटर में 1 है, 11 डिवाइडेड बाय 1 कितना आंसर आएगा, 11। फिर क्या बताया मैंने कि जो आंसर आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको न्यूमिरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना आया था, 11 डिवाइड करने पर न्यूमिरेटर में क्या है, 7। 11 मल्टीप्लाइड बाय 7, न्यूमिरेटर से क्या कहा मैंने, मल्टीप्लाई करना है। तो 11 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो कितना होगा, 77। यहाँ पर क्या आएगा, 77। देखिए सेम आ चुका है, यहाँ पर वही करना है, यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे तो -91 डिवाइडेड बाय 11। ये दोनों मैटर आपको बहुत अच्छे से आती है तो मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स क्या और डिफरेंट डिफरेंट हो, सो यू कैन यूज एनी मेथड जो मैंने एक्सप्लेन की है, इसमें से आप कोई सी मेथड जो है चूज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला, क्या करना है इसमें, देखिए -10/15 एंड -5। -5 में से -10/15 जो है सेपरेट करना है, क्योंकि सेकेंड रेशियल नंबर में से फर्स्ट रेशियल नंबर को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। सो राइट डाउन -5, सेकेंड रेशियल नंबर लिखना है, यहाँ पर भी वही है, -5 के डिवाइड में आप क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है और उसको रेशियल नंबर बनाना है। अभी वो कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड में क्या लगाया है, 1 लगाया है। ठीक है, तो सेकेंड रेशियल नंबर में से फर्स्ट रेशियल नंबर को सेपरेट करना है, -5 ऐड करेंगे, फर्स्ट रेशियल नंबर क्या है यहाँ पर, -10/15। इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, ब्रैकेट में क्यों लिखूंगी, क्योंकि दोनों साइन कैसे हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर दोनों साइन पास में हो तो आप नेक्स्ट वाला नंबर, मतलब जो लास्ट वाला नंबर है उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। सो इस तरीके से लिखा, सेकंड में से सेकंड वाला नंबर लिखा हमने, डिवाइड में कुछ भी नहीं था, हमने यहाँ पे 1 ऐड किया है, सेपरेट करना था तो साइन लगाया है माइनस का, सेपरेट करना था फर्स्ट रेशियल नंबर को, तो फर्स्ट रेशियल नंबर हमने जैसा था वैसे के वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट ऐड किया हुआ है क्योंकि दोनों साइन पास पास में हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो प्रोसेस समझ में आ गई है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि एक स्टेप बढ़ जाती है जब नेक्स्ट नंबर जो है वो माइनस में हो, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और साइन चेंज करते हैं। -5/1, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसको हमको ऐसे कैसे लिखना है। अब चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि जिसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई किसमें होगा, माइनस में होगा। जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस दोनों कैसे हो जाएंगे, जॉइन हो जाएंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस 10/15। ठीक है, जैसा मैं अभी क्वेश्चन नंबर बी में आई थी, ए वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हुआ था, प्लस हुआ था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/15, ऐसे भी लिखना है। यहाँ तक पूरा क्वेश्चन अपना जो है साइन वाला जो भी है वो हमने सब सॉल्व कर दिया है। अब हमको केवल इसको दोनों रेशियल नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि माइनस माइनस अब क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, अलग अलग, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 15 है, तो 1 और 15 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिये यहाँ पर 1 और 15 है, एलसीएम क्या आएगा, 15 ही आएगा, है ना, 1 के टेबल में 15 जो है 15 टाइम्स ही आएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 15 ही आएगा, लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक 1 है, 15 है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर जो मैंने सेकंड मेथड बताई थी, डिवाइड करना है,
फिर जो आंसर है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है वो मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप। फर्स्ट मेथड जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाई थी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, वो आप यूज कर सकते हैं। 1 और 15 का एलसीएम कितना आया है? 15। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट रेशियल नंबर से, ठीक है। फर्स्ट रेशियल नंबर में न्यूमरेटर में क्या है? 5, और 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 15 में होगा। सो 15 × 5 = कितना होता है? 75। 15 × 5 = 75। अब हम क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे सबको क्या मिलना है? केवल 10 ही मिलना है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 10 में किया, 10 करना है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। 15 तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या करना है आपको? सॉल्व इसको करना है। −75 + 10, एक है माइनस में और एक है प्लस में, दोनों कैसे अनलाइक, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों अनलाइक है, दोनों अनलाइक है, प्लस पे एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इट मीन्स क्या करना है? 75 में 10 को क्या करना है? माइनस करना है। 75 में हम 10 को माइनस करेंगे तो क्या बचना है आपका? 75 में 10 को घटाना है, सेपरेट करना है, तो क्या बचेगा? 75 बचेगा। अभी जो 65 बचेगा, अब जो 65 है वो कैसा है? माइनस में है या प्लस में है, ठीक है। इसको देखकर हम उसका साइन पुट करेंगे। 65 का जो ग्रेटर नंबर है, उस ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पर? 10 और 75। तो 75 यहाँ पर ग्रेटर नंबर है और वो किस में दिया हुआ है? माइनस में दिया हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? -65। 75 में से 10 को माइनस किया तो -65, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस में है। डिवाइड में क्या चल रहा था यहाँ पर? 15 चल रहा था, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आंसर कितना है? -65 / 15। अब देखिए, अब इसको फर्दर हम और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट उसको करना है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ये कैंसिल आउट हो सकता है। किससे कैंसिल आउट हो सकता है? 15 के टेबल से तो नहीं होगा, क्योंकि 65 नहीं आता, 75 आता है। लेकिन ये 5 के टेबल से जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। 5 के टेबल में 65 को देखना है कितना टाइम्स आता है, तो 6 तो नहीं आता है। 1 टाइम हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। 6 - 5 कितना बचेगा? 1, मतलब ये जो सेकंड नंबर है वो 15 बन जाएगा। 5 के टेबल में 15 3 टाइम, मतलब जो 65 है वो 5 के टेबल में 13 टाइम आएगा। एज वेल एज जो 15 है वो कितना टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। 5 × 3 = 15। क्या बचा हुआ है? −30 / 3। माइनस का 65 था, तो जैसे ही आप उसको डिवाइड करेंगे 5 से, आप कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 13 आप लिख लेंगे। माइनस के साइन को भूलना नहीं है, माइनस साइन बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जहां पर भी है उसको लगाना है। −30 / 3 अभी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 3 के डबल में 13 नहीं आता है। सो ये जो है फाइनल आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये जो है फर्दर सॉल्व नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर ई इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर जो एफ है वो बहुत ईजी है, दोनों प्लस में दिए हुए हैं, तो वो आपको करना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंप्लीफाई, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जस्ट सिमिलर ही है उसके। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए और बी वो थोड़े से अलग है, मतलब सिंपल है। बाकी सारे जो क्वेश्चन है सी से लेकर के वैसे ही, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। तो क्वेश्चन नंबर ए, इसमें क्या करना है? देखिए लिखा हुआ है −30 - −5, मतलब −30 में से आपको −5 क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। दोनों कैसे देखिए, नेगेटिव इंटीजर है, −30 - −5, माइनस करना है आपको दोनों −30 में से −5 के इंटीजर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको डिवाइड में 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जो है दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो डायरेक्टली हम इसको नेगेटिव इंटीजर जो है, मतलब रेशनल नंबर ना कंसिडर करके, इसको नेगेटिव इंटीजर कंसिडर करके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है। −30 एज इट इज लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आपको ओपन करना है। ब्रैकेट आप जैसे ही ओपन करेंगे, माइनस और माइनस का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? प्लस। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर? 5। इस तरीके से लिखना है यहाँ पर। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा?
प्लस और क्या नंबर था, 5 था, तो 5 हमने लिखा है। अब आपको क्या करना है, डेल्टा को सॉल्व करना है। आप देखना है कि दोनों इंटीजर्स जो है वो कैसे देगा। यहाँ पर ये -30 नेगेटिव इंटीजर प्लस 5, तो पॉजिटिव हमने इसको बना लिया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, मतलब दोनों कैसे अनलाइक है, एक माइनस में प्लस में है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, एक माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 30 में से 5 को माइनस करेंगे, 30 में से 5 को जैसे ही आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 8 बचा, ठीक है, नंबर 8 बचा है। अब वो 8 जो है वो कैसा है, प्लस में होगा या माइनस में होगा, सो हम इसको एक कर यहाँ पर साइन पुट करेंगे ग्रेटर नंबर को, ग्रेटर नंबर हमारे पास में माइनस में है, मतलब माइनस 30 में से प्लस 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 8। प्रैक्टिस को सॉल्व करना है, डिवाइड में 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज वेल एज क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर भी बस सेम है, बट यहाँ पर है जो 30 है वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये जो माइनस का है वो तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, लेकिन जो 30 है वो पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर कोई भी आपको सॉल्व नहीं करना है, ब्रैकेट वगैरह जो ओपन नहीं करना है, ठीक है। माइनस का 30 माइनस का 17 दोनों माइनस माइनस में दिए हुए हैं, दोनों लाइक इंटीजर्स है, सो डायरेक्टली आप क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे, -17 में -30 दोनों को आपको प्लस करना है, तो -17 -30 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। और दोनों कैसे है, नेगेटिव है, बड़ा वाला नंबर जो है वो भी माइनस में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -30। सो -17 -30 डायरेक्टली आपको प्लस करना है, दोनों माइनस माइनस भी दिए हुए हैं, प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 30, बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन, यहाँ पर माइनस। क्वेश्चन नंबर सी, देखिए यहाँ पर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके जैसे ही यहाँ पर वही करना है आपको, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 15 को, माइनस करना है किससे, -13/2, मतलब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है आपको। सो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 को तो आपको एज इट इज लिखना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो हमने बहुत बार कर चुके हैं, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 13/2, ठीक है, वही करना है। माइनस और माइनस को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13/2। अब क्या करना है, 15 में 13/2, 13/2 को क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, ये 15 है, एक नेचुरल नंबर है और एक रैशनल नंबर है ना, रैशनल फ्रैक्शन दोनों बोल सकते हैं क्योंकि आपको पॉजिटिव बन चुका है, सो रैशनल नंबर भी फ्रैक्शन भी है। एक जो है नेचुरल नंबर है, एक जो रैशनल नंबर है, तो इसको हम प्लस कैसे करेंगे, डिवाइड में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ठीक है, ताकि दोनों कैसे बन जाए, रैशनल नंबर बन जाए। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों का आपको एलसीएम लेना है, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन से बताया था कि डिनोमिनेटर में दोनों में से एक भी प्राइम नंबर हो तो उसका एलसीएम क्या होगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, डायरेक्टली आपका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ से पहला रेशनल नंबर ये है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 13 पहले नहीं लिखना है आपको, पहले मल्टीप्लाई किसका करना है आपको, 15 का करना है 2 से, 15 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, 15 2 30, ठीक है, बीच में किसका साइन है, प्लस का, सो प्लस लगाना है। 1 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 30 नहीं आना है, 1 13 30 13 13, अब क्या करना है, सिंपल है, 30 को प्लस 30 दोनों से क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, सो 30 प्लस 30 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43, डिवाइड में क्या चल रहा था, 2, अब ये जो है 43/2 कैंसिल होगा, अगर 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर यहाँ पर क्या है, 3 है, सो ये 2 की टेबल से कैंसिल नहीं होगा, सो 43/2 ये हो गया इसका फाइनल आंसर, मतलब 15 में से आप इसको माइनस करोगे -13/2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपको जैसे आपने एडिशन वाले मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो एडिशन किए थे, रैशनल नंबर्स को जो जोड़ा था, एडिशन किया था, वैसे ही आपको फिर आगे की प्रोसेस करनी है। सो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 43/2। होमवर्क में क्या करना है आपको, एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड उसका कर रहे हैं, सो क्वेश्चन नंबर डी और ई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है, सब्ट्रैक्शन वाला जो है उसका डी और ई करना है,
दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे है, सेम है, वहां पर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो वहां पर एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो मैं करवाऊंगी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपको रिवाइज करना है, रिविजन करना है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। सॉफ्टवेयर तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको पहले वाले वीडियोस में दे चुकी थी। अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो है थ्री रैशनल नंबर्स है, वहाँ पर थ्री रैशनल नंबर्स का आपको एडिशन करना है। प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हैं उसके हेल्प से पूरा जो क्वेश्चन नंबर 6 थे वो आपको रिवाइज। सो ये जो है होमवर्क है। थैंक यू।